इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरा सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा यूज में कैसे लिया जा रहा है। आपने अक्सर लिंक्डइन प्रोफाइल में बहुत से लोगों के जीरा सॉफ्टवेयर को मेंशन देखा होगा उनके स्किल के तौर पर। तो आखिर ये जीरा सॉफ्टवेयर इतना इंपॉर्टेंट स्किल कैसे है और इसका क्या यूज होता है, तो ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे ऑल अबाउट जीरा। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना है। हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है कि जीरा सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का पर्पज क्या है, इस पर्पज से इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, बग ट्रैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और उसको सॉल्व करने के लिए जीरा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि बग ट्रैकिंग जीरा सॉफ्टवेयर से कैसे पॉसिबल है, इसके लिए आपको यह समझना होगा कि जीरा सॉफ्टवेयर असल में काम क्या करता है। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके डेवलपर्स की टीम आपस में कनेक्टेड रहती है। पर्टिकुलर किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर आपने डिस्कस करना है अपनी टीम के साथ तो आप जीरा सॉफ्टवेयर के थ्रू ये चीज कर सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलपर्स को, सॉफ्टवेयर कंपनीज को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर उन डेवलपर्स की टीम अपने प्रोजेक्ट्स को डाल सकती है। उन प्रोजेक्ट्स में फ्यूचर में देने वाले रिलीज अपडेट्स या फिर जो बग्स उन्हें फिक्स करने हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को पोस्ट कर सकते हैं। यानी कि वो जान सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में अभी कितना काम हो चुका है, इस प्रोजेक्ट में आगे कितना काम करना बाकी है, इसमें क्या नए अपडेट्स हमें देने हैं, क्या नए फीचर्स हमें देने हैं, इसमें क्या बग्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह की चीजें डिटेक्ट करने के लिए, इस तरह की चीजों को करने के लिए जीरा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं जीरा सॉफ्टवेयर आखिर कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जीरा, ये जावा में बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल किया जाता है पीसी में इसको इंस्टॉल करके, नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह इसको इंस्टॉल किया जाता है और दोस्तों उसके बाद जीरा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल लिया जाता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल कंपनीज देती हैं क्योंकि कंपनीज को ही अपनी टीम को सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के लिए इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो जीरा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसी भी प्रोजेक्ट को, आप ये समझ लीजिए कि उसके रिलीज वगैरह देने हो, उस प्रोजेक्ट में अपडेट देना हो, उसमें बग फिक्सिंग करनी हो, उन सब चीजों पर एक रिपोर्ट के थ्रू काम करने में, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उन चीजों में चलने में बहुत अच्छा ये एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो टीम है उसमें डेवलपर्स आपस में डिस्कस कर सकते हैं, काम बांट सकते हैं और काफी सारी चीजें और की जा सकती है। तो बेसिकली ये जीरा सॉफ्टवेयर का पर्पस है कि उसे क्यों इस्तेमाल में लिया जाता है। अब बात करते हैं कि जीरा सॉफ्टवेयर सीखना आसान है या मुश्किल है। तो देखिए दोस्तों, इसका बहुत साधारण शब्दों में जवाब है कि जीरा सॉफ्टवेयर को सीखना बिल्कुल आसान है, इसे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बस कुछ समय आपको इसमें अपने आप को ट्रेन करना होगा, आपको इसे सीखना होगा और उसके बाद आप भी इस सॉफ्टवेयर में काम करना सीख जाएंगे। क्या हम इस सॉफ्टवेयर में कोड कर सकते हैं? बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इसमें कोडिंग की जाती है, ये कोई टेक्स्ट एडिटर है? देखिए दोस्तों, जीरा अपने आप में कोई टेक्स्ट एडिटर तो नहीं है, जैसे वीएस कोड वैसा नहीं है। ये आप समझिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, टीम्स डिस्कस करती हैं और प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स होती हैं उनको मेंशन किया जाता है, उसके बारे में ओपनली बिल्कुल डिस्कस किया जाता है टीम्स के बीच में। डिस्कशन एक समझ लीजिए, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के डेवलपर्स की टीम डिस्कशन करती है, राइट? लेकिन दोस्तों, अगर आप इसको गिटहब से कनेक्ट कर दें तो ये आपके, मुझे लगता है, सभी सवालों का जवाब था इस वीडियो में जीरा से रिलेटेड, कि क्यों इतना ज्यादा इसको मेंशन किया जाता है लिंक्डइन प्रोफाइल्स में कि एक स्किल के तौर पर मुझे जीरा भी आता है। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ में डाउट था कि जीरा आखिर है क्या, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना करके आप सबको बताऊं जीरा सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ऐसे और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।